Uh, aslam alaikum, students, uh, welcome to our second online class of introduction to sociology. Uh, the topic which we are going to study today is basically the evolution of sociology. in our previous topic, uh, we had a brief overview of uh, uh, sociology. What, uh, what is sociology? Uh, what are the di different dimensions of the sociology? Um, and uh, what is the objective of uh, studying the sociology? Right? so today we, will, we are going to uh, we are going to explain that how uh, sociology as a discipline started who were the main philosophers uh, who contributed in the field of sociology to, to make it, um, uh, to make sociology um, a science right so um, as we did in our uh, previous lecture that sociology is the science of ideas science of social actions science uh, of institutions science of collective behavior systematic study of the human society these all are the facts which we have uh, already explained in our previous uh, lectures on आई थिंक यू ऑल आर वेल अवेयर ऑफ दिस कि सोशोलॉजी क्या है आइडियाज़ uh, का नाम है सोशल एक्शन का नाम है इंस्टीट्यूशन का नाम है कलेक्टिव बिहेवियर का नाम है एंड सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी ये हम इन सब चीज़ों को वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दम इन द प्रिवियस लेक्चर राइट सो सो वॉट डू यू थिंक हाउ सोशोलॉजी सोशोलॉजी या वैन पीपल थिंक वन पीपल थाट के सोशोलॉजी को स्टडी करने की या इसके ऊपर रिसर्च करने की जो है वो ज़रूरत है So the answer is that sociology started in, uh, in the mid of 19th century. The study of the sociology, a study of the human society, basically started in the mid of the 19th century. And um, or mid of the 19th century, what developments? The changes? which led to the uh, study of the society? Those were the industrial revolution, the travel, and the uh, success of the natural sciences. So what is industrial revolution? So um, the mid of the 19th century was basically a transformation. ट्रांजिशनल पीरियड था इन यूरोप वो किस तरह से कि इस तरह से कि हम देखते हैं कि वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा था द यूरोप वॉज शिफ्टिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर मोड टू द फैक्ट्री प्रोडक्शन मोड राइट टेक्नोलॉजी बेसिकली जो थी वो न्यू टेक्नोलॉजी जो थी वो इवॉल्व हो रही थी और उसकी वजह से एक हम देखते हैं कि लोग जो हैं वो माइग्रेट कर रहे थे टूवर्ड्स द सिटीज़ टूवर्ड द अर्बन एरियाज़ वेर व इंडस्ट्रियल सेटअप वॉज देयर फॉर द बेटर लाइफ स्टाइल और दिस वॉज ऑब्वियस कि जब लोग जो है वो एक रूरल सेटअप से अर्बन सेटअप की तरफ फॉर बेटर लाइफ स्टाइल इंडस्ट्रीज़ में जो है आ, जो है काम करने के लिए मूव कर रहे थे तो क्या हुआ कि हम देखते हैं कि उस वक्त सिटीज़ की जो है वो रेपिड ग्रोथ हुई और उस ग्रोथ की वजह से सिटीज़ की जो है वो रैपिड ग्रोथ हुई और उस ग्रोथ की वजह से हम देखते हैं क्या हुआ कि प्रॉब्लम्स राइज हुई सोशल चेंज आया क्रिएशन ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स मींस कि जारी आ, आ, ये एक ओबियस चीज़ है कि जब डिफरेंट बैकग्राउंड से डिफरेंट कल्चर से लोगों ने मूव किया टूवर्ड्स द सिटीज़ और वहाँ पे एक आ, क्या कहते हैं अम्ब्रेला के अंडर या एक आ, जगह पे डिफरेंट कल्चर्स के लोगों ने साथ रहना शुरू किया तो वहाँ पे क्या हुई सोशल प्रॉब्लम्स अरइज़ हुई और जब सोशल प्रॉब्लम्स अराइज़ हुई तो ये उस वक्त वो एरिया उस टाइम के जो फ़िलासफ़र्स थे उस टाइम के जो थिंकर्स थे उन्होंने सोचा कि ये सोशल प्रॉब्लम्स को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं और कैसे हम सोसाइटी की स्टडीज़ से जो है लोगों की हेल्प आउट कर सकते हैं इस सोशल चेंज को एक्सेप्ट करने में राइट तो ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बेसिकली क्या था um, जो यूरोप में जो एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल मोड पे जिस जो शिफ्ट हो रहा था उसकी वजह से हम देखते हैं कि डिफरेंट सोसाइटीज़ का डिफरेंट कल्चर्स का जो आपस में इंटरेक्शन हुआ और इस इंटरेक्शन की वजह से सोशल प्रॉब्लम्स आरइज हुए उन सोशल प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने की के, के लिए जो उस वक्त के रिसर्चर्स उस वक्त के फलासफर्स थे उन्होंने सोसाइटी को स्टडी करना शुरू किया और उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए सोलूशनस का जो है वो बताया राइट दैन कम्स ट्रैवल अच्छा सेकेंड जो um, uh, जो रीज़न um, uh, है एवोल्यूशन ऑफ़ दोशोलजी का या एवोल्यूशन ऑफ़ द स्टडी ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी का एज अ साइंस दैट वो सैवल ट्रैवल क्या मीन्स कि ये जो टाइम है मिड नाइन्टीन सेंचुरी का इस वक्त देखते हैं कि ब्रिटिशर्स ने जो थे जो यूरोपियंस थे उन्होंने जो है बहुत सारी कॉलोनीज ऑप्टेंट की हुई थी इन अमेरिका इन एशिया दे वर सक्सेसफुल इन ऑप्टेनिंग दालोनीज फ्रॉम हम देखते हैं एशिया में अफ्रीका में अमेरिका में तो क्या हुआ कि जब उन्होंने कॉलोनीज ऑप्टेंट जब कॉलोनीज इस्टेबलिश की डिफरेंट एरियाज में तो वहाँ पर क्या हुआ देवर्स द मिक्सचर ऑफ़ डिफरेंट कल्चर राइट जैसे कि अफ्रीकन कॉलोनीज़ जो थी उनका कल्चर उनके नॉर्म्स, उनकी वैल्यूज़ उनकी सोसाइटी का सेटअप बहुत डिफरेंट फ्राम द अमेरिकन कॉलोनीज़ फ्राम द एशियन कॉलोनीज़ तो वहाँ पर देखते हैं कि जब उन्होंने डिफरेंट कल्चर्स के लोगों के साथ इंटरेक्ट uh, 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 किया तो वहाँ पर uh, हम देखते हैं uh, क्योंकि हर कल्चर की लैंग्वेज डिफरेंट है लैंग्वेज के अंदर डायलैक्ट्स उनके डिफरेंट हैं uh, उनके नॉम्स डिफरेंट हैं तो जब वहाँ पर उन कॉलोनीज़ में डिफरेंट लोगों ने एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट किया तो अगेन हम देखते हैं कल्चर का मिक्सचर एक सोसाइटी का मिक्सचर एक सोशल चेंज आया और उस सोशल चेंज को फिर क्या हुआ um, उस सोशल चेंज की वजह से भी अगेन देर वॉज ए नीड कि सोसाइटी को जो है वो स्टडी uh, किया जाए उसके डिफरेंट नॉर्म्स को स्टडी किया जाए और uh, लोगों को इस बात को अंडरस्टैंड करवाया जाए uh, कि uh, कैसे डिफरेंट कल्चर्स के लोग जो हैं वो इकट्ठे uh, रह सकते हैं कैसे डिस्पाइट ऑफ द डिफरेंसेस वो कैसे जो है डिफरेंट कल्चर्स को अपने कल्चर के अकॉर्डिंगली जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं राइट एंड देन देर द थर्ड वॉज थर्ड रीजन वॉज दैट सक्सेस इन द नेचरल साइंसेज अगेन दैट वॉज द पीरियड मैं नाइनटीन सेंचुरी जहाँ पे नेचुरल साइंसेज जो थी वो अपनी सक्सेस के पीक पर थी उसकी जो एक रीज़न थी वो क्या थी दैट वॉज द न्यूट लॉज ऑफ मोशन लॉज ऑफ मोशन क्या है जिसने uh, जो रिलेटेड था मूवमेंट्स दैट लॉ ऑफ द मोशन आप सब जो है सीफेमियर हैं एंड दीज लॉज वर रिलेटेड टू द मूवमेंट और ये एक रेवोल्यूशन थी नेशनल साइंसेस में और ये भी जो है वो एक बेसिक वजह बना जिसकी वजह से जो है उस वक्त के फलासफर्स और रिसर्चर्स ने सोचा कि ये एक लॉजिक है कि हम इसको क्या करें हम सोसाइटी के जो सोशल चेंज है जो सोशल ऑर्डर में चेंज आ रहा है जो सोसाइटी में चेंज आ रहा है हम उसके ऊपर क्या करें उसके ऊपर हम जो है वो स्टडी करें राइट तो बेसिकली ये तीन मेन रीजन्स थी विच लेड टू दिच विच हैड अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन इन स्टार्टिंग द सोसाइटी एंड सोशल चेंज राइट अच्छा फिर आते हैं हम ये तो रीजन्स uh, आ गई जिन रीजनस की वजह से हमने सोसाइटी को स्टडी करना शुरू किया साथ ही साथ हम देखते हैं कि वो कौन से फिलोसोफर्स थे वो कौन से उस वक्त के रिसर्चर्स थे या mm -hmm. सोशोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन दिया टू द स्टडी ऑफ द सोसाइटी टू द स्टडी ऑफ द सोशलॉजी तो वो बेसिकली uh, वैसे तो देर आर नंबर ऑफ़ फ़िलासफ़र्स बट उनमें से जो मेन है डोमिनेटिंग है डोमिनेट हैं देट व ऑगस्ट कॉम्प्ट हार्बर्ट स्पेंसर कार्ल मार्क्स एंड मैक्स मे वेबर अब हम इन सब के कॉन्ट्रीब्यूशन को जो है थोड़ा थोड़ा ब्रीफली कर, एक्सप्लेन करें कि इन्होंने क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया टूवर्ड्स द स्टडी ऑफ द सोसाइटी राइट सबसे पहले ऑगस्ट कॉम्प ऑगस्ट कॉम्ट को बेसिकली फादर ऑफ या फाउंडर ऑफ द मॉडर्न जो सोशोलॉजी है वो कहा जाता है क्योंकि ही वॉज द फर्स्ट वन हु यूज़ द टर्म सोशोलॉजी फॉर द स्टडी ऑफ द सोसाइटी राइट तो ये उस वक्त लैटिन वर्ड था और लैटिन वर्ड में सोशो का जो मीनिंग है दैट इज़ बींग अदर्स राइट बींग विद अदर्स मीन्स कि इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं लोग भी किसमें ग्रुप जो है ग्रुप ऑफ द पीपल इज़ इन्वॉल्व तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम लोगों की बात करें जो ज़्यादा लोगों की बात करें जो क्या करें आपस में इंटरेक्ट करें तो ये फ़र्स्ट जो वर्ड है सोशोलॉजी का ये ऑगस्ट कॉम्प्ट में यूज़ किया और ये इसी वजह से इनको फाउंडर ऑफ द मॉडर्न सोशोलॉजी भी कहा जाता है राइट तो इन्होंने फोकस किया और जो हमने जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था uh, जो डेफिनेशन थी सोशोलॉजी की दैट वॉज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द बिहेवियर हमने क्या था हमने देखा था सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द सोसाइटी तो सोसाइटी किससे बनती है लोगों के बिहेवियर से लोगों के एटीट्यूड्स से टू वर्ड्स ईच अदर राइट तो इसके ऊपर जो है इन्होंने ही वॉज द वन गेव दिस आइडिया और उन्होंने ये कहा ये uh, इन्होंने एक चीज़ की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज़ दे उन्होंने दो चीज़ों की बात की है दैट इज़ द फर्स्ट वन इज़ द सोशल ऑर्डर एंड द सेकेंड वन इज़ द सोशल चेंज सोशल ऑर्डर और सोशल चेंज क्या है हम देखते हैं सोशल ऑर्डर क्या है कि एक पैटर्न कोई भी स्पेसिफिक सोसाइटी हो लेट सपोज पाकिस्तानी सोसाइटी है यूरोपियन um, सोसाइटी है कोई भी सोसाइटी है हर सोसाइटी एक स्पेसिफिक सोशल ऑर्डर के तहत चलती है कुछ नॉर्म्स हैं कुछ वैल्यूज़ हैं कुछ टूल्स हैं um, जो उस सोसाइन सोसाइटी को जो है एक उसकी जो पेस है वो उस पर वो एक जो है वो कॉन्टिन्यूस रहती है right? राइट लेकिन वो बात किसकी कर है वो बात कर है जो ऑगस्ट कॉम है वो बात कर है सोशल चेंज की कि सोशल ऑर्डर जो है वो तो वैसा ही रहता है राइट right? जैसे आपका फैमिली का क्या स्ट्रक्चर है राइट फैमिली ऑर्डर किस तरह से चलता है uh, आप फैमिली ओरिएंटेड है या आप uh, जो है uh, 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 किसी भी सोसाइटी में जैसे हम देखते हैं वेस्टर्न सोसाइटी जो फैमिली ओरिएंटेड नहीं है लेकिन पाकिस्तानी सोसाइटी की बात करें तो वो एक फैमिली ओरिएंटेड है तो ये एक हमारा सोशल ऑर्डर है हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी का और वो सोशल ऑर्डर है उनकी वेस्टर्न uh, सोसाइटीज़ uh, का तो वो कह रहे हैं कि ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है सोसाइटी का वो तो सेम रहता है लेकिन उसके कुछ डायनामिक्स हैं कुछ एलिमेंट्स हैं जो क्या होते हैं वो चेंज होते हैं और वो चेंज किसकी वजह से पॉसिबल होता है कॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन जैसे हमने देखा ये सोसाइटी uh, को स्टडी करने की ज़रूरत क्यों पड़ी थी वो भी ग्लोबलाइजेशन ही थी बेसिकली कि मिड नाइनटीन सेंचुरी में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया डिफरेंट कल्चर्स के डिफरेंट सोसाइटीज़ के लोगों ने मूव करना शुरू किया और मूव करने के बाद उन्होंने साथ रहना शुरू किया इंटरेक्ट किया तो क्या हुआ वहाँ पर सोशल प्रॉब्लम्स आएँ और फिर बेसिकली uh, हमें जो सोसाइटी की जो स्टडी है वो यही बताती है कि आप चेंज को अडॉप्ट करें एडोप्ट कैसे कि ये दिस इज़ नॉट कंपल्सरी कि आप कोई भी चेंज जो है एज़ इट इज़ एडॉप्ट करें फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम कोई भी ई चीज़ इंट्रोड्यूस होती है तो हम उसको अपने सोसाइटी में अपने कल्चर अपने नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करके किसी भी चीज़ को अडॉप्ट करते हैं तो वही यह क्या यहाँ पे ऑगस्ट कॉन्ट में यही बात करें कि सोशल ऑर्डर जो वो सही वो वही रहता है लेकिन हम उसको मॉडिफाई करके सोशल चेंज को अडॉप्ट करते हैं टूवर्ड ऑर सोसाइटी राइट तो ये और अगेन एक और बात करी है के अडोपशन के बाद हम देखते हैं कि वो वो जो हमने जो सोशल चेंज अडॉप्ट किया था वो हमारी सोसाइटी में फ़िट इन कर रहा है यानी कि वो लॉज हैं वो रूल्स हैं जो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो चीज़ जो है हमारी सोसाइटी में फ़िट इन हो रही है प्रॉपरली या नहीं देन कम्स हार्बर्ड स्पेंसर अच्छा हारबर्ड स्पेंसर बेसिकली जो है वो बायोलॉजिकल व्यू ऑफ द सोसाइटी की बात करते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हार्बर्ड स्पेंसर का वर्क जो है ज़्यादातर डार्विन जो है उससे इन्फ्लुएंस्ड influence, है जैसे डार्विन ने कहा था थेरी ऑफ एवोल्यूशन है या सर्वाइवल फ़ॉर द फिटेस्ट जो टर्म है वो यूज़ हुई थी सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट को अगर हम सोसाइटल पैरामीटर में देखें तो हमें आइडिया होगा कि हार्बर्ट स्पेंसर कहते हैं कि किसी भी सोसाइटी में आ, जो एक वीक इंसान है उसकी ज़रूरत नहीं है या वीक ग्रुप ऑफ द पीपल की ज़रूरत नहीं है आ, किसी भी सोसाइटी में क्योंकि चेंज जो है एक एवर ग्रोइंग प्रोसेस है चेंज जो है हर सोसाइटी में डे बाय डे आता है हर हर डायमेंशन में हर इंस्टीट्यूट में आता है तो आ, उसमें वही लोग सर्वाइव कर पाते हैं जो स्ट्रॉग होते हैं या वो जो चेंज को एक्सेप्ट कर पाते हैं राइट तो यहाँ पे हार्बर्ट्स स्पेंसर भी यही बात कर रहा है कि आ, आ, सिर्फ वही लोग किसी भी सोसाइटी में सर्वाइव करेंगे जो चेंज को एक्सेप्ट करेंगे राइट और जो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो पीछे रह जाएंगे वो वीक रह जाएंगे और वो जो है आ, उस सोशल ऑर्डर के साथ जो है वो मूव नहीं हो पाए ठीक है तो ही वो अगेंस्ट द सोशल रिफॉर्म्स वो कहते हैं कि जो सोसाइटी जिस पेस पे चल रही है आपने क्या करना है आपने उसी को उसी पैटर्न पे जो है उसको अडॉप्ट करना है और उसको चेंज करने की कोशिश नहीं नहीं है जो लोग चेंज करते हैं वो लोग क्या करते हैं वो सोसाइटी में पीछे रह जाते हैं राइट देन कम्स एमिली डरक एमिली डरकम ने जो है पॉजिटिविज्म uh, जो पॉजिटिव अप्रोच है टूवर्ड्स द सोसाइटी हर चीज़ को एक अच्छे पॉजिटिव सेंस uh, में देखना uh, उसको थोड़ा मॉडिफ़ाई किया है किस तरह से वो कहते हैं कि कि जो हर सोसाइटी है चाहे वो पाकिस्तानी सोसाइटी हो वेस्टर्न सोसाइटी हो हर सोसाइटी जो है वो डिफरेंट आ, पार्ट से बनी है हर पार्ट जो है वो एक दूसरे से क्या वो इंटर -ले -ले है इंटर रिलेटेड है राइट फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया था कि फॉर uh, एक्ज़ाम्पल पाकिस्तानी सोसाइटी की बात करें तो पाकिस्तानी सोसाइटी में कौन कौन से हमारे पास पार्ट्स आते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल रिलीजन है एजुकेशन है फैमिली है हेल्थ है तो ये सारे के सारे पार्ट्स हैं किसी भी सोसाइटी के और ये सब पार्ट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं और इनमें से अगर एक भी पार्ट प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करता तो सोसाइटी ओवरऑल मूव नहीं करती इसीलिए हर एक पार्ट का प्रॉपर्ली फंक्शन करना जो है वो ज़रूरी है ताकि सोसाइटी जो है अपने बेस पे चलती रहे इसी तरह मैंने रिलीजन की बात की फॉर एक्जाम्पल रिलीजन करें तो रिलीजन के अंदर भी जो है फॉर एग्ज़ाम्पल रिलीजन का रोल क्या है सोसाइटी के अंदर ये भी सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करते हैं यहाँ पे रिस्ट वॉच की एग्जाम्पल आपको दो तो फोर एक्जाम्पल एक रिस्ट वॉच है वो किस किस चीज़ से बनी हुई होती है इसमें हम देखते हैं नीडल है उसका स्ट्रैप है उसकी बैटरी है उसके जो वो जो जिस पे जो, जो, जो फिगर्स लिखे हुए हैं वन टू थ्री वो हैं तो ये सारी की सारी चीज़ें इनमें से अगर एक भी चीज़ निकाल दी जाएगी तो जो रिस्ट वॉच का जो पर्पज़ है वो खत्म हो जाएगा इसी तरह सोसाइटी में हम देखते हैं कि मल्टीपल चीज़ें हैं और वो मल्टीपल हर चीज़ का कोई ना कोई स्पेसिफिक फंक्शन है और अगर उसमें से हमें एक चीज को निकालेंगे तो ओवरऑल सोसाइटी के जो स्ट्रक्चर है जो सोसाइटी um, uh, के अंदर जो लोगों का आपस में इंटरेक्शन है वो क्या होगा वो इफेक्ट होगा राइट right? देन uh, uh, जैसे ही आपको बताया वीक सोशल कनेक्शन जो है वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर की तरफ जाते हैं जैसे मैंने आपको बताया किसी भी सोसाइटल पार्ट में कोई भी वीकनेस होगी तो, uh, अगर इंटरेक्शन uh, में लोगों की कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर की तरफ जाएगा राइट देन कम्स कॉल मार्क्स जो काल मार्क्स हैं उनका सारी की सारी स्टडी जो है वो फोकस करती है अन सोसाइटीज़ के ऊपर कॉल मार्क्स का ये बिलीफ है कि हर सोसाइटी में क्या है इक्वालिटी नहीं है हर सोसाइटी जो है वो अन है वो कैसे अन है वो इस तरह से कहते हैं कि हर सोसाइटी के अंदर जो है देर आर टू ग्रुप्स टू क्लास है. अच्छा टू क्लासेस कौन सी हैं एक है बोजवाजीज और एक है प्रो लिटरेट बोर्जवाजीज़ कौन सी हैं वो रूलिंग क्लास है और प्रो लिटरेट कौन सी है वो वर्किंग क्लास है और कॉल मार्क्स के अकॉर्डिंगली जो रूलिंग क्लास है जो बोर्जवाज़ीज़ हैं वो मैक्सिमम uh, रिसोर्स को मैक्सिमम पावर को इन्जॉय करती है और जो प्रो है वो मिनिमम रिसोर्स को और मिनिमम पावर को जो है वो इंजॉय करती है तो इस वजह से सोसाइटी के अंदर क्या है हम देखते हैं इनवालिटी है अन uh, uh, है सोसाइटी uh, और इसकी वजह से जब अन uh, जब सोसाइटी में जो है इनवालिटी होती है तो क्या होती है वो ऑटोमेटिकली इट लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट ठीक है जब मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ द सोसाइटी को रिसोर्सेज uh, नहीं मिल रहे हैं पावर uh, नहीं मिल रही है तो क्या होगा कॉन्फ्लिक्ट आएंगी प्रॉब्लम्स आएंगी ठीक है तो वो ये जो है वो इसकी बात कर रहा है कार्ल मार्क्स जो है वो इस चीज़ की बात कर रहा है कि सोसाइटी में जो दो क्लासेस हैं उनमें से एक क्लास है वो ज़्यादा इंजॉय करती है रिसोर्स को दूसरी कम ही करती है जिसकी वजह से सोसाइटी के अंदर जो है वो प्रॉब्लम्स आती हैं इसीलिए उन रिसोर्स को प्रॉपरली मैनेज करने की जो है वो ज़रूरत है ताकि सोसाइटी के अंदर से इनक्वालिटी को जो है वो रिड्यूस किया जा सके राइट देन द लास्ट वन इज़ मैक्स वेबर ठीक है मैक्स वर्बर बेसिकली जो है वैश्टहाइन जो वर्ड है इसके बिलीवर है इसका मतलब है एम्पथी एम्पथी मीन्स टू पुट यूर सेल्फ इन टू समन ऑफ द सूज़ अपने आप को किसी दूसरे की जगह रख के सोचना एम्पथी कहलाता है तो वो जो मैक्स वेबर हैं बेसिकली वो इसी फ़िलासफ़ी को मानते हैं और वो बिलीव करते हैं कि किसी भी सोसाइटी में अगर एम्पथी के फिनॉमिना को एडॉप्ट किया जाए तो ऑटोमेटिकली सोसाइटी क्या होगी सोसाइटी एक पॉजिटिव चेंज की तरफ जाएगी सोसाइटी में जो है केस कॉन्फ्लिक्ट प्रॉब्लम्स हैं वो क्या होंगी वो कम होंगी राइट right? तो ये uh, डेट्स ऑल फोर टूडे अब एक एक्टिविटी है आई होप कि जब आप लोग हम लोग की जब इंटरक्टिव सेशन होगा नेक्स्ट क्लास में आप uh, की जो भी क्वेरीज हैं मैं उसको रिजॉल्व करूँगी और साथ ही साथ जो है आप इसे uh, जो है जो मैं आपको एक्टिविटी uh, जो असाइनमेंट है वो दे दूँ आप करके आएंगे एंड दैट इज़ कि आप सब लोगों ने जो है नोट uh, डाउन करके आना है कि ओवर द लास्ट फ्यू ईयरस लेट्स पोज लास्ट फाइव ईयर्स में वॉट चेंजेस यू हैव सीन इन यूर सोसाइटी जिस सोसाइटी के अंदर आप रह रहे हैं उस सोसाइटी में आपने लास्ट फाइव ईयर्स में क्या मेजर चेंजेस देखे हैं एक कोई मेजर चेंज देखा है दो देखे हैं तीन हैं इट इज़ अप टू यू आप सब ने जो है इसको जो है लिस्ट आउट करके आना है और जब हमारी इंटरक्टिव इंटरेक्टिव सेशन होगा इस क्लास का आप सब ने जो है वो वन बाई वन आप सब जो है वो बताएँगे कि ओवर द टाइम आप आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं आप जिस सोसाइटी का पार्ट हैं उसमें आपने क्या मेजर चेंजेस देखे हैं और साथ ही साथ आपको अगर इस लेक्चर में कोई भी इशू है तो इन आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट और मैं इसमें आपकी जो भी क्वेरीज हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगी थैंक यू दैट्स ऑल फॉर टुडे